सुरीश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव यद्यपि जो मैं प्रश्न आपके पास रख रहा हूँ इस विषय में आपने पहले भी प्रकाश डाला है, परंतु इस समस्या को लेकर अभी भी लोग बड़े भ्रमित हैं और बड़े चिंताग्रस्त हैं, इसलिए आपकी प्रेरणा उनके लिए बड़ा संबला कारण बनेगी। गुरुदेव, कोरोना को देखकर कई बड़े उम्र वाले लोग बहुत चिंता और भय से ग्रसित हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो क्या होगा, और यह चिंता कुछ लोगों को बहुत व्याकुल कर रही है। इस चिंता और भय को दूर करने के लिए गुरुदेव आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित रूप से महामारी सभी को चिंतित कर रही है, पर चिंता करके भी क्या हो? पहली बात तो दिल दिमाग में से इस बात को निकाल दें कि जिनको भी कोरोना होता हो सब मरते ही हैं। कोरोना से मृत्यु दर 3% के करीब है, बाकी लोग तो बच ही रहे। और दूसरी बात कि केवल कोरोना वाले मरते हैं ऐसी बात तो नहीं है, जिनको कोरोना नहीं हुआ वो अमर होंगे ऐसी भी बात नहीं है। जितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हो रही है उससे ज़्यादा अन्य बीमारियों से लोगों की मृत्यु हो रही, और अन्य बीमारी नहीं है तो कई ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर के भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कई लोग, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से चला गया, कोई बीमारी नहीं थी। तो कुछ भी हो गई, किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए मृत्यु को लेकर के कभी घबराना नहीं चाहिए। तन का एक दिन जन्म हुआ, एक दिन अंत होगा, लेकिन एक बात गांठ में बांध के रखिए, जब तक मेरी आयु है कोई मुझे हिला नहीं सकता, और आयु पूरी होने के बाद कोई मुझे जिला नहीं सकता। इसके बाद जिस दिन मेरी आयु पूरी होगी उस दिन ये तन जाएगा, पर मेरी आत्मा का न तो जन्म है न मरण। उस आत्मस्वरूप का चिंतन करो, भेद विज्ञान का चिंतन करो। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवै तानि पुद्गले। जब मैं मृत्यु रूप नहीं हूँ तो डरू किससे? ये तो तन की परिणति है, एक दिन जो होना होगा सो होगा। इस बात को लेकर के मन का सारा भय और चिंता निकालना चाहिए। एक बात और गांठ में बांध लीजिए, समय घाव भरता है, समय घाव करता है, और समय ही घाव भरता है। कोई कैसा भी घाव हो, समय ने हर घाव को भरा है। इसलिए यदि किसी का नियोग इसी रूप में होना होगा तो होगा। हमने तो ये तक देखा है कि 95 साल की वृद्धा कोरोना से संक्रमित होकर के बच गई और 23 साल का नौजवान मर गया। तो इसका उम्र से क्या संबंध है? जन्म मरण का संयोग अपनी जगह है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में अपेक्षित सावधानी है, सतर्कता है, सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, गाइडलाइन के अनुरूप चले, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूरियां बना करके चलें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं, मन में किसी प्रकार की चिंता और नकारात्मकता का हावी मत होने दें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए पूर्ण आयु की जो एक काढ़ा है, और सनसमनी भट्टी नाम की कसायम काढ़ा और सनसमनी भट्टी, ये 20 दिन की का कोर्स है, आपके चैनल पर ऐड आता है, ऑनलाइन मंगाइए, लेना शुरू कीजिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन ये मत सोचना कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो मरेगा नहीं, मरना तो सबको है। हम लोगों ने तो बचपन से सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। जब मेरी बारी आएगी तो मैं मरूंगा, पर मरने के पहले मरने के डर से नहीं मरूंगा। अभी क्यों मरना, अभी क्यों डरना? जब मरना होगा तो मरूंगा, मैं अकेला थोड़ी मरूंगा, सारी दुनिया को मरना है। जिसकी जब बारी आएगी तब मरना है।
ये डर मन से निकालिए, खौफ मन से निकालिए, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाइए। बार 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 इस तरह की नकारात्मक बातों को दोहराने से मन अशांत होता है। और दूसरी बात, कोरोना संबंधी समाचार देखना, पढ़ना, सुनना बंद कीजिए, हो गया बहुत। ये जितना सुनोगे तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतना असर होगा। भावना योग कीजिए। कल भावना योग होगा, मैंने पहले भी भावना योग कराया था कोविड-19 से संबद्ध, वो आपको मिलेगा, आप करिए। मैं सुरक्षित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, निर्भयो हम। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं, मन दूर, मन का सारा भय दूर होगा। अजर अमरो हम, अभयो हम, निर्भयो हम, सुरक्षितो हम, स्वस्थो हम, निरामयो हम। ये अंदर अनुभव करने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा। और ये फितूर पाल करके बैठोगे तो कोरोना से तो बाद में मरोगे, अपने कोरोना के खौफ से पहले मर जाओगे। डर को निकाल फेंकिए। जब जो होना होगा सो होगा। बस दो दिन पहले भी मैंने बात कही थी, आज फिर से वो दो वाक्य दोहराता हूँ। अपने मन के डर भय को दूर करने के लिए इन दो वाक्यों को आप हमेशा दोहराइए। जो होगा सही होगा, और जो होना होगा वही होगा। इससे मन को संबल मिलेगा, धैर्य होगा। घबराने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला, इसलिए अंदर से मजबूत बनिए। तत्व ज्ञान का आश्रय लीजिए। मन का डर भय चिंता दूर कर दीजिए। ठीक है, जो होना होगा सो होगा, और मरूंगा तो जिंदगी में एक ही बार तो मरना है, बार बार थोड़ी मरना है, और सबको मरना, अकेले को तो मरना नहीं है। ठीक है, इससे घबराने की जगह अपने आप को संयत बनाने की कोशिश कीजिए, और अपने बचे समय का सदुपयोग कीजिए। यही इसका सकारात्मक लाभ है।